फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम 6 नई ऐसी साउथ इंडियन मूवी की बात करने वाले हैं जो यूट्यूब पे अभी ऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है। तो चले जानते हैं कि वो 6 नई ब्लॉकबस्टर साउथ इंडियन मूवी कौन सी है जो यूट्यूब पे अभी ऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है। तो इस लिस्ट में पहली मूवी आती है आचार्य अमेरिका यात्रा। आचार्य अमेरिका यात्रा 2018 की तेलुगु लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया ठग्स ऑफ अमेरिका। ये एक कॉमेडी फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है जी नागेश्वरा रेड्डी ने। मूवी के लीड रोल में थे विष्णु मंचु, प्रज्ञा जायसवाल और ब्रह्मानंदम। सपोर्टिंग कास्ट में थे पोसानी कृष्णा, मुरली, प्रदय रावत, पृथ्वीराज ठाकुर, अनुप सिंह, कोटा श्रीनिवास राव। मूवी का म्यूजिक दिया था एस थमन ने और इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में 27 अप्रैल 2018 को रिलीज किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स्ड पॉजिटिव रिव्यू मिले थे और IMDb में इस मूवी को 7.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिसकी वजह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए गोलमेज टेलीफिल्म्स ने। तो ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि गोलमेज टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ठग्स ऑफ अमेरिका के नाम से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में दूसरी मूवी आते हैं निवेवारो। निवेवारो 2018 की तेलुगु लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि निवेवारो नाम से रिलीज किया गया है। ये एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था हरिनाथ ने। मूवी के लीड रोल में थे आदि पिनी शेट्टी और तापसी पन्नू। सपोर्टिंग कास्ट में थे रितिका सिंह, वेनेला किशोर, तुलसी, शिवाजी राजा, सत्या कृष्णन और सप्तगिरी। मूवी का म्यूजिक दिया था अच्छू राजमानी ने और प्रसन्न प्रवीण श्याम ने। मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में 23 अगस्त 2018 को रिलीज किया गया था जिसको IMDb में 7.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को हाईली पॉजिटिव रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे मूवी सुपरहिट साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए वाम इंडिया मूवीज और एडवाइस मीडिया डिजिटल ने। तो ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि वाम इंडिया मूवीज एडवाइस मीडिया डिजिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे निवेवारो के नाम से ये मूवी हिंदी डब में इजिली देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में तीसरी मूवी आती है पोकिरी राजा। पोकिरी राजा 2016 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया बंडलबाज। ये एक सुपर नेचुरल कॉमेडी फिल्म है जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन किया है राम प्रकाश रायप्पा ने। मूवी के लीड रोल में थे जीवा, सिबिराज और हंसिका मोटवानी। सपोर्टिंग कास्ट में थे मनोबाला, योगी बाबू, राम डोस, चित्र लक्ष्मणन, सुजाता, शिव कुमार और मूवी का म्यूजिक दिया था डी ईमान ने और इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में 4 मार्च 2016 को रिलीज किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से नेगेटिव रिव्यू मिले थे और IMDb में 3.7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से और बॉक्स ऑफिस पे मूवी डिजास्टर फ्लॉप साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए पेन नेटवर्क्स ने। तो ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि पेन मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बंडलबाज के नाम से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में चौथी मूवी आती है ई। 2017 की मलयालम लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि ई के नाम से रिलीज किया गया है। ये एक हॉरर ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था कुकू सुरेंद्रन ने। मूवी के लीड रोल में थे गौतमी, आशिक आमिर, बालाजी जयराजन, डेनी डेविस, कल्याणी विद्या, मीरा नेर, नित्या और अंजलि नेहर। मूवी का म्यूजिक दिया था राहुल राज ने और इस मूवी को मलयालम लैंग्वेज में 18 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स्ड पॉजिटिव रिव्यू मिले थे और IMDb में 7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिसकी वजह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए श्री इंटरनेशनल मूवीज ने। तो ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि श्री इंटरनेशनल मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ई के नाम से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में पांचवी मूवी आते गनना किरुक्कन। गनना किरुक्कन 2014 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया कर्ज चुकाना होगा। ये एक ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया इलैया देवन ने। मूवी के लीड रोल में थे जेगा, अर्चना कावी, सुष्मिता, डेनियल बालाजी, तंबी रमे, सेंटिल कुमार और विजया अम्मल। मूवी का म्यूजिक दिया था ताज नूर ने और इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में 14 नवंबर 2014 को रिलीज किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए पेन नेटवर्क्स ने। तो ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि पेन मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे कर्ज चुकाना होगा के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में छठी मूवी यानी कि आखिरी मूवी आती है झील झील। झील झील 2016 की कन्नड़ा लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि झील झील के नाम से रिलीज किया गया है। ये एक एक्शन रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है मधु ने। मूवी के लीड रोल में थे धनंजय और पुविशा मनोहरन। मूवी का म्यूजिक दिया था ए मधु ने और इस मूवी को कन्नड़ा लैंग्वेज में 2 सितंबर 2016 को रिलीज किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे मूवी बिलो एवरेज साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए पेन नेटवर्क्स ने। तो ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि पेन मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे झील झील के नाम से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। तो बस आज के वीडियो में यही 6 ऐसी साउथ इंडियन मूवी थी जो ऑफिशियल यूट्यूब पे हिंदी डब में अवेलेबल हो चुकी है, तो जाके आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। तो और भी नई साउथ इंडियन मूवीज की न्यूज के लिए, अपकमिंग साउथ इंडियन मूवीज की जानकारी के लिए, सभी प्रकार के साउथ इंडियन मूवीज की टेलीविजन प्रीमियर, यूट्यूब प्रीमियर और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन
और कन्फर्म अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।